चलो स्टार्ट कंटिन्यू राजन। सो यू डिस्कस समथिंग दैट वाज अबाउट द चैप्टर अबाउट द टॉपिक सब्जेक्ट बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी। व्हाट इज बुककीपिंग? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, राइट? बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ गिवन सेट ऑफ बुक्स। What is accountancy? Is accountancy and bookkeeping one and the same? No. They are different. Bookkeeping is only recording. Accountancy is what? Analyzing, summarizing, making sense of the data. Okay? Taking decisions, right? All this is covered under accountancy. So, bookkeeping is what you are going to learn now. Okay? Recording of business transactions. Then we have seen बिजनेस कौन से बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं? ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग सर्विस के आप नेक्स्ट ईयर ऐसे भी लर्न करने वाले हो, तो एक बार ट्रेडिंग के आ गए तो बाकी सब अपने आप आपको आ जाएंगे, काफी सिंपल है। सो ट्रेडिंग बिजनेस के ट्रांजैक्शंस लर्न करने, दैट इज वन थिंग। और उसमें भी साइज ऑफ द बिजनेस होता है, छोटे से बड़ा बड़ा होते जाता है बिजनेस, बराबर है? तो उसमें से कौन सा बिजनेस का अकाउंट लर्न कर रहे हैं? सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस मतलब क्या? सिंगल पर्सन ओन्स एंड मैनेजेस द बिजनेस। जेठालाल गड़ा हमारा एग्जांपल में, बराबर? सिंगल पर्सन ओन्स एंड मैनेजेस द बिजनेस, दैट राइट? दैट उस बिजनेस का ट्रांजैक्शन वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस ईयर। क्योंकि आप सोल प्रोप्राइटर का लर्न कर लोगे तो पार्टनरशिप कंपनीज वगैरह वगैरह अपने आप आपको आ जाएगा। बेसिक्स यही है, उसी के ऊपर बिल्डअप होता है आगे जाके। तो सोल प्रोप्राइटरी का लर्न करना है, ट्रेडिंग बिजनेस का लर्न करना है, उसके बाद हमने शुरू किया था टर्म्स। वी डिस्कस्ड फ्यू टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं? ये आइटम्स आपको आगे पीछे आने वाले हैं, जब आप रिकॉर्ड करने वाले हो तो बीच बीच में ये आइटम्स आपके सामने आते हैं। तो मीनिंग पता होगा तो इट्स गुड फॉर यू, यू एबल टू रिकॉग्नाइज, यू एबल टू अंडरस्टैंड एंड देयर बाय रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन वेरी इजी। तो पहला आइटम हमने देखा था कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? Amount invested in the business by the businessman. Now tell me, is business and businessman one and the same? No. They are different, right? Business अलग है, businessman अलग है। हमें किसके point of view से सोचना है? किसके point of view से? ऐसा कौन सा concept बोलता है? Entity concept बोलता है। Entity concept, concept का मतलब क्या होता है? Unsaid basic principles जिसके ऊपर पूरा bookkeeping का system based है। Over the years जो ट्रायल एंड एरर से बेस्ट प्रेजेंटेशन जो दिखा रहा है सिस्टम, उसके ये कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए हैं। ओके, वेरियस कॉन्सेप्ट्स आर देयर, 2022 कॉन्सेप्ट्स आर देयर, या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, अप्रूवल कॉन्सेप्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी होता है, डिस्क्लोजर होता है। इसमें से एक कॉन्सेप्ट हमने लर्न किया, दैट इज एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी में क्या होता है? बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट एंटिटीज। हमें रिकॉर्ड करना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू। ये इसलिए किया जाता है कि पर्सनल एंट्रीज बिजनेस में ना आए, पर्सनल ट्रांजैक्शन बिजनेस में ना आए तो अच्छा ही है, तो ही आप बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट लॉस ढूंढ पाओगे, बिजनेस में क्या हो रहा है आपको पता चलता है, लेकिन तो बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट इज कैपिटल? अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द बिजनेस। व्हाट आर ड्रॉइंग्स? अमाउंट टेकन अवे फ्रॉम द बिजनेस बाय द बिजनेस, जनरली इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट जो लेके जाते हैं उसको ड्रॉइंग्स, बराबर है? और कैपिटल और ड्रॉइंग जनरली कैश के फॉर्म में होते हैं, बट कंपल्सरी कैश होना जरूरी नहीं है, काइंड में भी हो सकता है, एसेट्स भी ले जा सकते हैं, वो भी चलेगा। और ड्रॉइंग्स आर मेनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। आप बेस कैपिटल घड़ी घड़ी निकालने वाले नहीं, बेस कैपिटल निकालोगे तो उसको क्या कहा जाता है? कैपिटल। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कैपिटल विड्रॉ। इज दैट क्लियर? बराबर है? So, drawings and capital withdrawal, that is a small difference, but in general, आप दोनों terms को same consider करो। Drawings होगी capital withdrawal, यहाँ पर दिया हुआ है। Base capital होगी profits हो, drawings ही बोला जाता है, in general, दोनों। Practically, there is a difference, base से निकाला तो capital withdrawal, profits से निकाला तो drawings। फिर हमने देखा debtors and creditors, बराबर है? Debtors कौन होते हैं? Who are debtors? क्रेडिटर्स कौन होते हैं? बराबर है?
Why am I supposed to receive the money from debtors? Goods ke paise lene. Why goods ke lene? Because we have sold them the goods on credit basis. We have sold them the goods on credit basis. What do you mean by credit basis? Udhar. Sell kiya lekin paisa lena baki hai. We sold them on credit basis. What if we sell them on cash basis? Would they still be our debtors? No. They are debtors only if we have to receive the money. We have sold them on credit. इतने टाइम के लिए डेटर है पैसा लेना बाकी क्रेडिटर्स टू पे वाई सपोज टू पे बिकॉज ऑफ परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट इफ यू बाय ऑन कैश एंड सेल ऑन कैश इमीडिएट पेमेंट हो गई देन इज देयर एनी डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप बिकॉज इट इज ऑन क्रेडिट तो देना बाकी है और पैसा लेना बाकी जिसको देना बाकी वो बंदा कौन है क्रेडिटर इससे लेना बाकी बंदा कौन है डेटर एंड क्रेडिटर आर मेनली ड्यू टू गुड्स But are they only due to goods? No. They can be due. They can be for some other reason also. Like maybe for loans. आपने किसी को लोन दिया है पैसा लेना बाकी है तो debtor हो जाएगा. आपने किसी से लोन लिया है पैसा देना बाकी है तो वो भी creditor हो जाएगा. Is that clear? देखा था हमने ये bad debts देखा था उसके बाद बड़ा bad debts. Irrecoverable from a debtor. Mainly due to bankruptcy insolvency of the debtor. That's called as bad debts. But hamesha due to bankruptcy insolvency hota hai debtor hamara. Kabhi kabhi kya ho jata hai? Willingly bhi nahi de payega. Goods are not so wahi ho gaya bankruptcy. Majboori se nahi de pa raha hai to alag baat hai. Lekin koi koi aise hote hai jo goods ke nahi de. To bhi hamara to nuksan hai. Hamara to bad debts. Is it clear? राइट अब तक हमने ये देखा था उसके बाद हमने महामंत्र देखा था चार आइटम्स जिसके अराउंड पूरा बिजनेस रिवॉल्व होता है कोर ऑफ बुक कीपिंग कोर ऑफ अकाउंटेंसी व्हाट आर दोस फोर आइटम्स एसेट्स लायबिलिटीज इनकम्स एंड एक्सपेंसेस एसेट्स लायबिलिटीज इनकम्स एंड दिस इज द कोर Around which any business, chota, bada, Indian, foreign, service, manufacturing, purana, naya, koi bhi damn business ho, chote se chota, bade se bada, uske andar jitne bhi items hote hain, wo yehi char category ko belong karte hain. Assets, liabilities, incomes and expenses. Agar aapko in char ka core samajh mein aa gaya, basic meaning samajh mein aa gaya, wo gyan praapt ho gaya. Okay, it's enlightenment. Okay, for bookkeeping and accountants, you should clearly understand the meaning of these four items. Then you are through. Okay, assets, liabilities, incomes, and expenses. Pura system isi ke aaju baaju aur kuch nahi. Okay, so let's focus on the first two. Humne kuch shuruaat bhi ki thi assets aur liabilities ke saath. Aapko yaad hai ye business khali pada hua hai. Business khali pada hua hai. There are two sides of business: assets and liabilities. Why there are two sides? Because we follow a system called double entry. Double entry system क्या बोलता है? In short अभी समझ लो आगे वापस आएगा. Double entry बोलता है कि every transaction is an exchange. And आपको transaction को record करना है. मतलब वो exchange को record करना है. So exchange is a two-way process और a one-way process. Two-way. तो दोनों aspects आप record. Double. दोनों record करते. जो आया वो भी जो गया वो. एक debit होता है एक वो सब लर्न करोगे ड्यूअल एस्पेक्ट होते तो डबल एंट्री करते हो तो हर बार किसी भी बिजनेस में ये दोनों लायबिलिटीज एंड एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल हमेशा इक्वल ही रहेंगे ओके नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डबल एंट्री से कैसे इक्वल होते हैं बिजनेस खाली पड़ा था जेठाल गड़ा बाबूजी से पूछा क्या करूं बाबूजी ने आइडिया दी थी क्या कर पहले तो जल्दी हो फिर नहाल और उसके बाद गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऊपर तो उसके पास कितने पैसे थे याद है आपको 50 लाख रुपीज चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल गेटा गड़ा ने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल ऑफ 50 लाख व्हाट विल हैपन ओवर हियर इन हिज बुक्स इन द बैक इन इसको बैलेंस शीट बोलते हैं कैपिटल आ जाएगा 50 लाख और सामने कैश आ जाएगा 50 लाख Now what are assets? Assets के बारे में मैंने तीन चीजें बताई थी Assets क्या होता है? Owns. The things or the properties that the business owns.
They are under its control. And value. Monetary value hona zarur. What are liabilities on the other hand? That the business owes you one. Udhar. Udhar hota hai. That's called as a liability. तो जैसे बिजनेस स्टार्ट हुआ हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे बिजनेस शुरू हुआ क्या हुआ बिजनेस में कैपिटल आया और साइमल्टेनियसली एक एसेट जनरेट हुआ दैट इज कैश तो ऐसा नहीं है कि 1 crore आया है बिजनेस में 50 lakhs ही आया है बट बिजनेस कैसे सोचेगा नाउ दिस 50 lakh कैश दैट्स माई एसेट आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट विथ इट इट इज अंडर माई कंट्रोल इट हैज गॉट वैल्यू True, that's my asset, 50 lakhs. But at the same time, वो 50 lakh मेरा नहीं है मुझे owner को देना बाकी है owner की कृपा owner is my माई बाप मुझे उसको पैसा देना बाकी है So that will be my liability. That will be my liability. So cash is your asset and capital is your liability. लाइबिलिटी किसके लिए है क्योंकि हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं बिजनेस यार बताया था कंफ्यूज मत होना ओनर नहीं हो आप बिजनेस हो बिजनेस के लिए कैपिटल इज अ लाइबिलिटी पैसा देना बाकी है जब भी बंद होगा तब पैसा दे दिया जाएगा ओके याद रखना अब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है ठीक है हमने कुछ कुछ शुरुआत की थी बिजनेस की वहां पे हमने वाइंड अप किया था लेक्चर को So let's start this business. Business is starting now. Cash आ गया business में. Business क्या करेगा अभी पहली चीज क्या करनी थी अपने को जगह फाइनलाइज करनी थी हमने जगह खरीदी थी हमने रेंट पे रेंट पे क्या बेहतर होता है हर बार रेंट पे लेना ही बेहतर होता है कीप योर कॉस्ट लेस ओके क्योंकि आप खरीदने जाओगे 40 lakh rupees आप जगह में ही डाल दोगे बचेगा क्या तंबूरा धंधा करने के लिए यू नीड मनी ऑल्सो फॉर डूइंग बिजनेस जो काम आपका 3-5 lakh में हो रहा है उसके लिए क्यों आप 40 lakh rupees डाल रहे हो अप फ्रंट में राइट So better take the premise on rent. अच्छा रेंट में पहले देना पड़ता है कुछ डिपॉजिट जो हमने भरा था याद है तो यहाँ पे क्या चेंज होगा बिजनेस आप डिपॉजिट दे मतलब यार टेकिंग अ डिपॉजिट बाकी नहीं कैश 5 lakh का डिपॉजिट लिया था हमने तो व्हाट हैपन कैश विल बिकम 45 lakh एंड देयर विल बी अ रेंट डिपॉजिट व्हिच इज एन एसेट अनदर एसेट ऑफ 5 lakhs ये भी एसेट ये कंट्रोल में जब सरेंडर करोगे पैसा मिल जाएगा फिर शोरूम आ गया अब शोरूम के अंदर क्या करना था आपको फर्नीचर सेट करना था फिक्स्चर सेट करने थे उसके लिए आपने कितने स्पेंड कर दिए और 10 lakh rupees सेंड कर दिए तो कैश विल बिकम नाउ 35 lakhs और इधर आ जाएगा फर्नीचर एंड फिक्स्चर आ जाएगा आपका कितने का अनदर एसेट नाउ बट माइंड यू द टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी दैट्स कैपिटल राइट और ये भी देखा था हमने एयर कंडीशनर्स खरीदे थे हमने कितने खरीदे थे यार 2 lakh के एयर कंडीशनर्स खरीदे 50-50 lakh के 4 AC आ जाते हैं 2 lakh rupees के एयर कंडीशनर खरीदे थे कैश क्या हो जाएगा क्योंकि 3 lakh और क्या आ जाएगा यहाँ पे एयर कंडीशनर्स आ जाएंगे आपके कितने के 2 lakh rupees के ये भी हमने खरीद लिए राइट यहाँ तक हमने देखा था फिर हमने एक ट्रांजेक्शन भी किया था एक अच्छा हाँ लोन लिया था एक्सपैंड करना है राइट तो हमने 20 lakh का 10 lakh का बैंक लोन लिया था राइट रिमेम्बर 10 lakh rupees का लोन लिया था याद है व्हाट विल हैपन ओवर हियर कैश विल बिकम हाउ मच 43 lakh क्योंकि कैश आएगा और साइमल्टेनियसली बैंक लोन क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे बैंक लोन कितने का 10 lakh rupees का बिजनेस लोन उठाया था Why not capital over here? Because this money doesn't belong to the owner. It belongs to the bank. Right? इसके ऊपर हमने देखा था कि liabilities दो प्रकार की होती हैं. एक होती है internal, एक होती है external. What is internal? जो owner को देना बाकी है. What is external? जो बाहर वालों को देनी बाकी है. Perfect. ये भी हमने देखा था. याद आ रहा है यहाँ तक सुन में आ रहा है कुछ ऊपर से जा रहा है सर काई वजह से शू घटे से मैंने कहीं खबर है ऐसा कोई है ईशान शर्मा वाला बाउंसर है तो बोल दू विल एक्सप्लेन अगेन समझ में आ रहा है ये कोर है बेसिक तो एसेट्स में अगर कुछ आप नया खरीदते हो तो कैश कम हो रहा है न्यू एसेट आ रहा है लेकिन आप बाहर से कुछ पैसा रेज कर लो तो लाइबिलिटी बढ़ेगी आपको कैश तो बढ़ेगा ही सामने लाइबिलिटी बढ़ेगी
दो प्रकार की लाइब्रेरी होती है, टू टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब ओनर को देना बाकी है, एक्सटर्नल मतलब बाहर वालों को देना बाकी। दैट राइट। अभी यहां तक भी देखा था, फिर हमने एक ट्रांजैक्शन किया था। जेठालाल ने सोचा चलो धंधा करते हैं, 10 लाख का गुड्स उसने परचेज किया था, याद है? 10 लाख का माल उसने खरीदा था, कैश पे की क्रेडिट पे, कैश पे खरीद रहा था, 10 लाख का कैश पे खरीद रहा। सो व्हाट विल हैपन, कैश विल बिकम 33 लाख, बराबर है? और क्या आ जाएगा यहाँ पर? स्टॉक आ जाएगा, बराबर है? गुड्स मतलब स्टॉक, स्टॉक रिप्रेजेंट व्हाट? गुड्स, ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स इन विच यू आर डीलिंग, इन विच यू आर डील, दैट इज व्हाट इज स्टॉक, गुड्स। अगर आप मेडिसिन डीलर हो तो मेडिसिन खरीदोगे तो स्टॉक में दिख जाएगा, फर्नीचर डीलर हो तो फर्नीचर आप खरीद रहे हो तो स्टॉक में दिख जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टॉक में दिख जाएगा। स्टॉक मतलब गुड्स इन विच यू आर डीलिंग, ओके? 10 लाख का माल खरीद लिया, अब क्या करना है उसको? बेचना है। कितने में सेल किया था आपने? 15 लाख में सेल, कोई तो मतलब है, 10 का 10 में बेचोगे तो बचत, ओके? स्टॉक ऑफ 10 लाख यू आर सेलिंग इट फॉर 15 लाख फॉर कैश, सो व्हाट विल हैपन? स्टॉक विल गो अवे, हाउ मच मनी विल यू गेट? 15 लाख यू विल गेट, व्हाट इज 33 प्लस 15? 47, राइट? 48 लाख, 33 प्लस 15 इज 48 लाख, एंड 5 लाख का भी मेड अ प्रॉफिट, बिलोंग्स टू ओनर। बिजनेस क्या बोलेगा? माई बाप आपके पैसे थे, मैं तो कुछ नहीं था, मैं तो खाली पड़ा था, आपने पैसे डाले, मैं चला हूं, आपका ही है, जो भी प्रॉफिट है वो आपका ही है, तो प्रॉफिट क्या होगा? एडेड टू कैपिटल, 5 लाख ऑफ रुपीज विल बी एडेड टू द कैपिटल। जितना बिजनेस प्रॉफिट करेगा उतना कैपिटल, जितना बिजनेस प्रॉफिट करेगा उतना कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ के कितना हो जाएगा? 55 लाख। ये देखा था हमने यहां तक, आर यू ऑल विथ मी यहां तक? समझ में आ रहा है कुछ? पहला ट्रांजैक्शन जेठालाल ने किया, 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, अच्छा है कि बुरा है? बहुत अच्छा है, शुरुआत तो अच्छी हुई, साल अभी बाकी है, 1 साल पूरा खत्म करना है अपने को, ओके? अभी स्लोली स्लोली देखते हैं और भी ट्रांजैक्शंस होंगे। नाउ जेठालाल ने डिसाइड किया कि चलो एक बार ही तो कैश में ट्रांजैक्शन कर लिया, नाउ लेट्स डू अ ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट, लेट्स डू अ ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट, लेट्स बाय द गुड। जेठालाल गया रामसूम कंपनी के पास, बोला देख मैंने एक ट्रांजैक्शन कैश में कर लिया है, अब मेरा नाम है मार्केट में, पीपल नो मी, ओके? नाउ अगर आपको देना है तो दे दो मुझे क्रेडिट प्लीज, ओके? लेट्स बाय द गुड्स फ्रॉम यू ऑन क्रेडिट। पहले आपको बताया था मैंने, जब आप नए नए होते हो क्रेडिट पे माल नहीं मिलता आपको, अब जेठालाल थोड़ा फेमस हो गया, नाउ ही इज एबल टू गेट द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। जेठालाल ने क्या बोला, 10 लाख का माल उठाते हैं बट ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या? यू बाय द गुड्स बट यू डोंट पे द मनी, सो व्हाट चेंजेस विल हैपन? यू गेट द गुड्स राइट, सो स्टॉक विल कम, एसेट विल कम वर्थ 10 लाख, बट यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग, सो इज कैश डिक्रीज, सो व्हाट विल हैपन? समथिंग विल कम इन लायबिलिटी, व्हाट आर दोस पीपल कॉल्ड? Who are creditors? The person to whom we are supposed to pay the money because we have bought goods on credit. So they are a type of liability. Yeah. Which liability they are? Yeah. External or external? Is this clear? Yes. So यहाँ पे goods आ गए, यहाँ पे creditors आ गए। इसको loan नहीं बोलना है। Loan किसको बोलना है आप? Bank से जो ले रहे हो उसको loan बोलना है। ये आपके creditors हो गए। Is this clear? Actually bank भी एक तरह का creditor ही है। वो creditor for loan है। ये creditor for goods है। मैंने आपको बताया था क्रेडिटर और डेटर ये टर्म्स किसके लिए यूज किए जाते हैं जनरली? गुड्स के लिए। लोन के लिए आप क्रेडिटर यूज नहीं। समझ आया ये वाला पार्ट? माल आया लेकिन पैसा नहीं गया, अच्छा हुआ कि पूरा हुआ? अच्छा हुआ। जितना क्रेडिट पे धंधा होता है उतना अच्छा होता है ना, कि पैसा पड़ा हुआ है और एक्स्ट्रा आपको माल खरीद के बेचना है तो आप बेच सकते हो और एक्सपैंड कर सकते हो धंधे को, है कि नहीं? समझाए छे? हवे लेट सेल इट, लेट सेल इट फॉर हाउ मच? 15 लाख। वी वेंट टू आर रिटेलर, वी वेंट टू आर डेटर, हमने बोला ये ले माल, हम लोग बेच रहे हैं तो वो भी क्या बोलेगा? मेरे को भी क्या दो अभी? क्रेडिट दो। आपने खरीदा भी क्रेडिट पे,
अभी वो भी आपसे क्रेडिट मांग रहे थे, बोला चल ठीक है तेरे को भी क्रेडिट दे देता है, लेट्स सेल इट ऑन क्रेडिट, लेट्स सेल इट ऑन क्रेडिट, लेट्स सेल इट ऑन क्रेडिट, मतलब यू आर नॉट गेटिंग द मनी इमीडिएटली बट यू आर स्टिल सेलिंग इट, व्हाट विल हैपन, 10 का 15 में बेचेगा, ये हट जाएगा, ये तो बिक गया 15 लाख में बेचा है बट विल कैश इंक्रीज बाय 15 लाख, आर यू गेटिंग द मनी इमीडिएटली, सो व्हाट विल हैपन, वेरी गुड, डेटर्स आ जाएंगे कितने के 15 लाख, डेटर्स आर अ टाइप ऑफ योर एसेट, पैसा लेना बाकी है, क्रेडिटर आर योर लायबिलिटी, देना बाकी है, डेटर आर योर एसेट, इससे लेना है उसको देना है, समझा जी, और 5 लाख क्या है, प्रॉफिट हुआ, हो गया, क्या बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ जाएगा प्रॉफिट से, धंधो थी गयो 5 लाख रुपया नु प्रॉफिट थी गयो 60 लाख हो जाएगा कैपिटल, 55 प्लस 5, दूसरा शॉट मारा जेठा लाल ने, पहला 5 लाख दूसरा 5 लाख, दिस हैज बिकम नाउ 60 लाख, 2 सिक्सर्स, इज दिस क्लियर, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ काम, प्रॉफिट तो हो गया लेकिन पैसा लेना देना बाकी है, तब तक पूरा कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ, प्रॉफिट तो हो गया, धंधा हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया, फिर क्या करोगे आप, 20 दिन बाद डेटर का दरवाजा खटखटाओगे, फोन करोगे, बोलोगे पैसा लाओ, पैसा लाओ, 20 दिन हो गया, डेटर बोला अब भी पहुंचाता हूं, डेटर ने आपको 15 का 15 लाख दे दिया, दिस वी आर अज्यूमिंग एज नॉर्मल बिजनेस सर्कमस्टेंसेस, डेटर कोई विजय मल्या नहीं है, नीरव मोदी नहीं है, अच्छा इंसान है, तो पूरे के पूरे पैसे उसने दे दिए, व्हाट विल हैपन ओवर कैश में 15 लाख आ जाएगा, कैश विल बिकम 63 लाख, एंड डेटर ने पैसा दे दिया, उसका रोल खत्म, अब वो पैसे लेके हम लोग भाग जाएंगे लंदन, कि क्या करना है, इसको चुकाना है ना, चुकाना है कि नहीं, कि विजय मल्या बनना है, हमारे को वोट बिकम विजय मल्या और नीरव मोदी, अंदर से तो सबका लड्डू फूट रहा है, मैं भी भागूंगा, चलो देने हैं, सिंसियरली बिजनेस करना है तो क्रेडिटर को भी चुकाना है, कितना चुकाना है, 10 लाख चुकाना है, लेट्स रीपे देम 10 लाख, व्हाट विल हैपन, कैश विल बिकम 53 लाख, एंड पूरा चेक फाड़ के देके आए, ले पूरा ड्यूज सेटल, पूरा ड्यूज सेटल, क्रेडिटर्स है कि नहीं, अभी नहीं है, बराबर क्या 53 वाला 63, 10 लाख चुका दिया, सारू देखू प्रॉफिट मस्त एकदम चकाचक, बैंक लोन चुकाना है, 1 साल तो वापरते हैं फिर चुकाते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट इंटरेस्ट भी देते हैं, ओके तो अभी तो चल रहा है बिजनेस, पहला महीना हुआ, दूसरा महीना हुआ, ट्रांजैक्शन हो गए, 2 शॉट्स मार दिया जेठालाल ने, 60 लाख रुपीज कमा लिया, अब पूरा साल निकालना है, बिजनेस में और भी कुछ होगा कि यही करते रहेगा।